तो फ्रेंड्स देयर इज एन इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट विच विल हेल्प यू इन क्लेमिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि अगर जीएसटी से पहले आपका कोई क्रेडिट पड़ा था ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस टैक्स या वैट और वो आप अभी तक क्लेम नहीं कर पाए थे, मतलब आपने जीएसटी में उसे कैरी फॉरवर्ड अभी तक नहीं किया, तो उन पर्सन के लिए ये जजमेंट हेल्पफुल होगी। तो कोर्ट की जजमेंट तो काफी बड़ी है, बट मैं आपके साथ कंक्लूजन डिस्कस करूंगा। तो एक बार कंक्लूजन क्या है कि वो पर्सन जिन्होंने अभी तक ट्रान वन को फाइल नहीं किया था, तो वो इस कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर मैन्युअली या ऑनलाइन जाकर ट्रान वन फाइल कर सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स जो हैं, मैं एक बार सर्च करता हूं 90 डेज। तो देखो, हम क्रेडिट कैसे कैरीड फॉरवर्ड करते हैं, बाय फाइलिंग ट्रान वन जो पोर्टल पर फाइल होता है। अब जिन पर्सन ने ट्रान वन को फाइल करने के लिए ट्राई किया था और उनको टेक्निकल ग्लिचेस आए थे जीएसटी पोर्टल पर, तो उनके लिए तो डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई थी, वो वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा। बट ये कौन प्रूव करेगा कि टेक्निकल ग्लिचेस आए थे? तो ये जीएसटीएन की आईटी टीम बताएगी कि हाँ, उस टैक्स पेयर ने ट्राई किया था फाइल करने का और उसको ग्लिचेस फेस हुए थे, अकॉर्डिंगली उसके लिए डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है। बट व्हाट अबाउट दोस टैक्स पेयर जिनका प्रूव नहीं हो पाया कि हाँ उन्होंने फाइल किया था और टेक्निकल ग्लिचेस आए थे, एंड सेकंड जिन्होंने फाइल ही नहीं किया था? तो उन दोनों पर्सन के लिए जिनके केस में टेक्निकल ग्लिचेस प्रूव नहीं हुए हैं कि उन्होंने फाइल करने के लिए ट्राई किया था, सेकंड जिन्होंने फाइल ही नहीं किया ट्रान वन, वो इस कोर्ट की जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं और अपना क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कौन से केसेस कवर्ड नहीं हो रहे हैं? जिन पर्सन ने ट्रान वन फाइल किया था और उसमें कोई गलती है तो अभी तक उसको रिविजन करने का कोई भी जजमेंट नहीं आई है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हो या उसकी कोई टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया, उसकी कोई कोर्ट की जजमेंट नहीं आई है। वो इनफैक्ट मेरा केस भी है, जब उसका आंसर आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा वो। तो ये किसके लिए रेलेवेंट होगी? जिन्होंने ट्रान वन फाइल नहीं किया अभी तक, या अगर फाइल किया था और उसके टेक्निकल ग्लिचेस कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए हैं, जीएसटीएन ने नहीं बताया कि हाँ इसने फाइल किया था या नहीं किया था, तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब रूल 117 क्या बोलता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है विद इन 90 डेज आपका सर्विस टैक्स का या वैट का क्रेडिट। तो जिन पर्सन ने 90 डेज में फाइल नहीं किया, तो उन्होंने क्या बोला डिपार्टमेंट को और कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? तो क्या पॉइंट रखा गया, ये जो सेनमेट क्रेडिट है सर्विस टैक्स का या वैट का जो जीएसटी से पहले था, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेटिशनर, जो उसका एक वेस्टेड राइट है टैक्स पेयर का, और ये जो उसका राइट है वेस्टेड राइट एक्रूड राइट, दिस कैन नॉट बी टेकन अवे, उससे छीन लिया नहीं जा सकता बाय द डिपार्टमेंट जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू फुलफिल द कंडीशंस विच आर मियरली प्रोसीजरल इन नेचर। जो 90 दिन मैंने आपको दिखाया कि ये सिर्फ एक मेरली प्रोसीजरल नेचर है, अगर मैं कोई क्लेम नहीं कर पा रहा हूं, मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, तो ये मेरा एक राइट है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300A है, वो भी वही बोलता है कि आप किसी का कोई वेस्टेड राइट को छीन नहीं सकते उससे। तो इस आर्टिकल के बेसिस पर ये जो प्रोसीजरल ग्राउंड है, ये इसके ऊपर नहीं लगेगा और आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये प्रोसीजरल नेचर है 90 डेज, तो क्या हम कभी भी क्लेम कर ले आईटीसी? तो ऐसा नहीं है। दिस हाउ एवर डज नॉट मीन दैट अवेलिंग ऑफ सेनमेट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड इन परपेचुटी। परपेचुटी मतलब कि क्या हम ये बोल लें कि हम इसे कभी भी क्लेम कर ले? नहीं नहीं, ट्रांजिशनल प्रोविजंस एज द वर्ड इंडिकेट्स हैव टू बी गिवन इट्स ड्यू मीनिंग। कि नो डाउट कि अगर ये 90 दिन प्रोसीजरल इन नेचर है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हुई हैं लिमिटेशन एक्ट में, 3 साल का पीरियड कंसिडर किया जाएगा कि 3 साल के बाद इसको कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, क्लेम नहीं कर पाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, तो उसके 3 साल तक हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ 3 ईयर शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड दस अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट वुड बी द मैक्सिमम पीरियड फॉर अवेलिंग ऑफ सच क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, 30 जून 2020 तक अगर किसी ने कोई ट्रान वन फाइल नहीं किया तो वो फाइल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली सिंस ऑल द पेटिशनर हैव फाइल्ड और अटेम्प्टेड टू फाइल ट्रान वन,
जिन्होंने भी एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट में, thus they are permitted to file relevant Tran 1 form on or before 30th June 2020. Respondents को बोल दिया कि आप ऑनलाइन पोर्टल ओपन करो या पिटिशनर को अलाउ करो कि वो मैनुअली फाइल कर दे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी गई है कि रिस्पोंडेंट शैल देयर आफ्टर प्रोसेस द क्लेम इन अकॉर्डेंस विद लॉ. ओके, एंड वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट अदर टैक्स पेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अदर टैक्स पेयर जिनकी सेम सिचुएशन है, हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, शुड ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट. कि अगर कोई और पर्सन भी ऐसा इशू फेस कर रहा है तो इस कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर वो अपना ITC को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सर्विस टैक्स और वैट का. फिर से बोल रहा हूँ, कोर्ट की जजमेंट उस केस में जिन्होंने ट्रान 1 फाइल नहीं किया, या अगर फाइल किया था या तो टेक्निकल ग्लिचेस प्रूव नहीं हुए थे, उन पर्सन के लिए नहीं है जिन्होंने ट्रान 1 फाइल किया और उसमें कोई गलती है, उसके लिए अभी तक कोई भी जजमेंट नहीं आई है. मेरी नॉलेज में तो नहीं है, बिकॉज मेरा भी वो केस है. जब भी वो मेरा आंसर आएगा तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँ. सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.